बहुत सारे मुझे कमेंट आ रहे थे कि सर एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कैसे करना है, फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड कैसे अप्लाई करें, इंडियन ऑयल रुपे क्रेडिट कार्ड कैसे अप्लाई करें, एक्सिस बैंक का अमेजोन क्रेडिट कार्ड कैसे अप्लाई करें। तो आपके लिए अब ये वीडियो जो है वो एक्सिस बैंक के ऊपर है, आपको कैसे एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं लाइव प्रूफ के साथ बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, अगर आप चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी सैलरी 20,000 है या फिर आपकी सैलरी आप पहले से किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं या फिर आप 3 लाख 4 लाख का आईटीआर फिल करते हैं तो आप एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं बिना अकाउंट के, बिना एनी लोन के। अगर आप पहले से, अगर आपका सिविल अच्छा है या फिर आपका सैलरी है या फिर आईटीआर, तो आप एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे। तो आपको क्या करना है, लिंक पे क्लिक करना है। अगर आपकी एज 21 साल है तो आप एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो लिंक पे क्लिक करना है और क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है। अगर आपके इसके रिलेटेड आपको कुछ एरर आता है या इशू आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, दिए गए नंबर पर भी कॉल करके आप अपना क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। और हमारे साथ काम करने के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करें, व्हाट्सएप करें, मैसेज करिए और महीने का 5 से 10 लाख रुपए अर्न कर सकते हैं। तो चलिए गेट स्टार्ट द वीडियो, मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि आप एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड कैसे अप्लाई करना है और कैसे कौन सा कार्ड मिलेगा, कहाँ पर क्या फिल करना है, पूरा लाइव प्रोसेस का बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। तो गेट स्टार्ट द वीडियो। एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, उस लिंक पे आप क्लिक करके आपको एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है, या फिर आपको कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक दिया है, उस लिंक पे भी क्लिक करके आप एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे, बिना किसी ब्रांच जाए, बिना किसी को फ़ोन करें। तो आपको सिंपल क्या करना है, जो कमेंट बॉक्स में जो लिंक है या फिर जो डिस्क्रिप्शन लिंक है उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ से इंटरफेस आपको दिखेगा, चेक योर एलिजिबिलिटी फॉर क्रेडिट कार्ड। तो आपको यहाँ पर फुल नेम आपका डाल देना, उसके बाद यहाँ पर मेल आईडी, फ़ोन नंबर और BRE कोड में आपको याद से BYT100 आपको ये कोड डालना ही है। अगर आप ये कोड नहीं डालते तो आपका प्रोसेस आगे कंप्लीट नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर चॉइस बैंक, आप यहां से बैंक चॉइस कर सकते हैं, जैसे बैंक का जो बैंक का आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है, आपको एक्सिस बैंक का अप्लाई करना है तो आप एक्सिस बैंक चॉइस करके सबमिट करेंगे। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। तो अगर आपका एक्सिस बैंक पर अकाउंट है तो आप यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। अगर आप एक्सिस बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। एग्जिस्टिंग मतलब अगर आपके पास पहले से एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है या फिर अकाउंट है तो आपको यस करना है, अगर आपको नहीं है तो आपको नो कर देना है। जैसे आप नो करेंगे तो आपको यहाँ से यहाँ पर मोबाइल नंबर, पैन कार्ड नंबर, पिन कोड और यहाँ पर एनुअल इनकम सेलेक्ट करना है, 5 से 10 लाख, 10 से 20 लाख, 20 लाख से 50 लाख, ऐसा आपको एनुअल इनकम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, उसका नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है मोबाइल नंबर पर OTP आता है, आपको OTP एंटर करके एग्री करके नेक्स्ट करना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर नेम पूछेगा, मदर का नाम पूछेगा, करंट रेसिडेंस एड्रेस आपको यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा, लैंडमार्क एंटर करना पड़ेगा। लैंडमार्क मतलब दोस्तों यहाँ पर आपको फुल एड्रेस डालना है, फुल एड्रेस मतलब जैसे कैसे आपको यहाँ पर लैंडमार्क भी डालना है। उसके बाद यहाँ पर सिटी नेम, सिटी नेम के बाद यहाँ पर एजुकेशन क्या है, ग्रेजुएशन है, अंडर ग्रेजुएट, आपको यहाँ पर एजुकेशन सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, जेंडर सेलेक्ट करना है, पिन कोड वगैरह, स्टेट, ये सब सेलेक्ट करने के बाद, एंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कि आप सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड। सैलरीड मतलब जॉब, सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब बिजनेस। तो आपको जो भी आपका सैलरीड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टाइप है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको एनुअल इनकम यहाँ पर सेलेक्ट करना है, 25 से 30 लाख, 10 से 15 लाख, 5 से 10 लाख, ऐसा आपको सेलेक्ट कर लेना। टाइप ऑफ इंडस्ट्री, जैसे आप बैंकिंग सेक्टर से हैं, आप सर्विस से हैं, मैन्युफैक्चरिंग से हैं, रियल एस्टेट से, वो आपको यहाँ पर इंडस्ट्री टाइप सेलेक्ट कर लेना। उसका करंट ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ने मतलब कंपनी का नाम क्या है, तो अगर आपकी दुकान है तो आपको अपने दुकान का नाम डाल दीजिए। अगर आपकी कंपनी, किसी कंपनी जॉब करते हैं, एक्सिस बैंक, सिप्ला, येलो क्वीन या सन फार्म, एक्स वाई जेड, तो आपको यहाँ पर कंपनी का नाम, आपका ऑर्गेनाइजेशन नेम में आपको कंपनी का नाम एंटर करना है। उसके बाद आप कितने साल से करंट में यहाँ पर जॉब कर रहे हैं वो आपको साल यहाँ पर लिखना है, इसका टोटल एक्सपीरियंस कितना है वो आपको यहाँ पर लिखना है, उसके बाद नेक्स्ट करना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर कार्ड सेलेक्ट का ऑप्शन आता है, तो आप जो भी आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, यहाँ पर चार्जेस दिखेंगे, कार्ड के फीचर्स भी दिखेंगे, आपको वो कार्ड के फीचर्स और चार्जेस पढ़ के आपको यहाँ पर जो भी कार्ड आपको अच्छा लगता है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो सॉफ्ट अप्रूवल आ जाएगा, आपको ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा, यहाँ पर C1 नंबर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको मेल पर या मैसेज में वीडियो क्विज़ का लिंक आ जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो क्विज़ आपको कंप्लीट कर लेना है, या फिर से अगर वीडियो क्विज़ कंप्लीट का लिंक नहीं आता है तो आपको 1 से 2 दिन के अंदर एक्सिस बैंक से एग्जीक्यूटिव आएगा, वो आपको बायोमेट्रिक करेगा, उसके बाद आपका कार्ड अप्रूव हो जाएगा। और अगर
इसके अलावा अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर दिए गए नंबर 777-3000 नंबर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ऐसे ही अपने क्रेडिट कार्ड की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।